हेलो दोस्तों, स्वाद विद दीपिका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्याजी अंडा कड़ी। इसके लिए मैंने लगभग 6 अंडे या 2 आलू को पानी में देकर कुकर में उबाल लिया है, और साथ साथ हम इसके साथ प्याज और मसाले भी भूनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं प्याजी अंडा कड़ी। सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेना है 2 से 3 चम्मच, और इसे गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। और जब ये तरक जाए ना, तो प्याज और टमाटर को साथ देकर हम इसे तेल में हल्का सा सॉटे करेंगे। इसे थोड़ा सा भूनना है तेल में, तब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। उसमें हम फिर सॉफ्ट हो जाने के बाद इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, और लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ा मसाले के साथ तेल के साथ हल्का भूनना होगा। नहीं तो नहीं भूनने से ना क्या होता है, वो थोड़ा सा कच्चापन रह जाता है। तो उसे भी तेल में हल्का भूनने के बाद इसमें जाएगा मसाला। भून चुका है, ये सॉफ्ट भी हो चुकी है, तो हम मसाले देते हैं। मसाले में लगभग मैंने धनिया पाउडर 2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर के, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा कम, और थोड़ा सा जीरा पाउडर। इन सबको थोड़ा मसाला में भूनना है, हल्का सा भूनना है। और दूसरी तरफ मैंने कुकर में आलू और अंडे को देके पानी देकर नमक, थोड़ा सा हल्का नमक देकर उबाला है, ताकि वो कुकर में फूटे नहीं, इसलिए मैंने इसमें नमक दिया है। और 1 विसल आने के बाद मैंने इसे कम आँच कर दिया था, और एक तरफ मेरे मसाले भी भून रहे हैं और दूसरी तरफ अंडा बॉयल हो रहा है। तो जब ये बॉयल हो जाएगी ना, तो इसे हम थोड़ी देर 2 मिनट तक कम आँच पे छोड़ देना है अंडे को, और बंद कर देना है गैस को 2 मिनट के बाद। 1 विसल आ जाने के बाद 2 मिनट के बाद गैस को बंद कर देनी है। तो बस अंडा उबल जाएगा, और मसाले भी एक तरफ मेरी भून चुकी है। तो अंडा को हिस्सा छिलके हटाकर उबले हुए आलू को मैंने, जो उबले हुए आलू थे ना, उसको मैंने छिलके काट कर इसमें भुने हुए मसाले हैं ना उसमें डाल दूँगी, और उसके साथ साथ अंडे को भी डाल दूँगी। दोनों को थोड़ी देर मसाले में 5 मिनट भूनूंगी, और जब ये भून जाएंगी ना, तो उसमें डालेंगे कसूरी मेथी। पाँच मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने एक चम्मच लगभग भर के, नहीं थोड़ा सा कम, 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। और इसको हल्का फुल्का चलाने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी देना है और ढककर थोड़ी देर इसे पकने दें। वैसे तो सब्जी पके हुए हैं, बस उबाल आने के बाद बस हो गई तैयार अंडा, आलू अंडा कड़ी या प्याजी अंडा कड़ी। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हो कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मेरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू सो मच।